नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो हम बात करने वाले हैं आज वैकेंसियों के बारे में। वैकेंसी आई हैं ये टीचर्स की, ठीक है, टीचर्स की आई हैं ये वैकेंसियाँ। बहुत ही शानदार वैकेंसियाँ हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है और अनरिजर्व पोस्ट है, एक पोस्ट है यहाँ पे। और 2 ईयर्स आपको चाहिए, क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और अगर आपके पास डिजायर क्वालिफिकेशन में अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। और जो आपकी एज रहने वाली है वो 21 से 40 साल रहेगी, ठीक है। और सैलरी देखेंगे बहुत ही शानदार बनने वाली है यहाँ पे। सैलरी के लिए आप देख सकते हैं रेगुलर पोस्ट है, 47,600 आपका बेसिक रहेगा, 4,800 ग्रेड पे, लेवल 8 रहेगी, ठीक है, लेवल 8 है आपका। और सैलरी बन जाएगी इसमें आपकी 85 से 90 हज़ार रुपये, ठीक है, 85 से 90 हज़ार। तो मास्टर मैंने बता दिया आपको, मास्टर चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए, ठीक है, आपके पास बीएड होना चाहिए। पढ़ाने का मेथड है वो आपका इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने लिखा हुआ है क्लियर कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसियाँ जो है ये निकली हैं सैनिक स्कूल के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादातर इंग्लिश की डिमांड रहती है, ठीक है। अगली पोस्ट है यहाँ पर टीजीटी केमिस्ट्री की, ये भी 1 पोस्ट है और ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व पोस्ट है, ठीक है। इसमें जो सैलरी बनेगी आपकी 44,900 बेसिक रहेगा, ठीक है, 4,600 ग्रेड पे रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 ईयर्स इंटीग्रेट डिग्री कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ, यहाँ पे लिखा है इन्होंने क्लियर, आप देख सकते हैं। और उसके साथ आपको पास होना चाहिए बीएड, और साथ में होना चाहिए आपके पास सी टेट या एस टेट, यहाँ पे क्लियर लिखा है एस टेट या सी टेट। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अगली जो पोस्ट है वो है टीजीटी हिंदी की, ठीक है, 1 पोस्ट है और ये रिजर्व है एसटी कैटेगरी के लिए। आपके पास यहाँ पे चाहिए 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट कोर्स, और साथ में अगर ये नहीं है आपके पास तो अगर आपने कर रखा है बीएड और बीए 50% मार्क्स का, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। 44,900 बेसिक रहेगा, 4,600 ग्रेड पे, इसमें भी सैलरी आपकी आराम से बन जाएगी 75 से 85 हज़ार के बीच में। इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन मतलब सी टेट चाहिए आपको, ठीक है, आपके पास सी टेट हो या टेट हो ये आपके पास होना ही चाहिए, और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। अगली पोस्ट देखेंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट रेगुलर बेस, ठीक है, ये 1 पोस्ट है और अनरिजर्व है, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट होने चाहिए आप, ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख रखी है, इनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। और एज यहाँ पे होनी चाहिए आपकी 21 से 50 साल, ठीक है, और जो बेसिक रहेगा वो रहेगा 35,400, ठीक है, लेवल 6 रहेगा आपका। और आपकी इसमें भी सैलरी आराम से 65 से 70 के बीच में बन जाएगी, ठीक है। जो पोस्ट है वो है एमटीएस की, ठीक है, रेगुलर बेस पे है और ये 3 पोस्ट हैं और अनरिजर्व पोस्ट हैं, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा डिग्री, ठीक है, आपको चाहिए और कुकिंग में, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज यहाँ पे भी 21 से 50 रहेगी, और जो आपका डीए और जो बेसिक रहेगा वो 18,000 रुपये से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार सैलरी बन जाएगी इसमें भी 30 से 35 हज़ार के बीच में। अगली पोस्ट जो है वो है बैंड मास्टर की, ठीक है, बैंड मास्टर की, ये 1 पोस्ट है और ये रिजर्व है एसटी कैटेगरी के लिए। इसमें आपको डिग्री जो होनी चाहिए बैंड मास्टर बैंड मेजर, इसमें आपके पास होना चाहिए, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 35 साल है, और सैलरी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे मिलेगी 20,000, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो है आर्ट मास्टर की, ठीक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है पोस्ट, 1 पोस्ट है और रिजर्व है एसटी कैटेगरी के लिए, मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट, ठीक है। और जो आपको सैलरी मिलेगी वो 20,000 मिलेगी फिक्स, और आपका जो एज होना चाहिए वो 21 से 35 साल है। अगली पोस्ट देखेंगे आप पीईएम पीटीआई कम मैट्रॉन फीमेल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, 1 पोस्ट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड होना चाहिए आपके पास 4 ईयर्स का, या 3 ईयर्स का बीपीएड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज रहेगी वो भी 21 से 50 रहने वाली है, और जो सैलरी है यहाँ पे फिक्स मिलेगी आपको 20,000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट डेट दे रखी है वो दे रखी है 30 अप्रैल, आपका जो एप्लीकेशन है वो 30 अप्रैल तक इन तक पहुंचाना चाहिए। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिख रखा है, किस तरीके के आपको आपको अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट कैसे करेंगे, वो सैनिक स्कूल जो अमरावती नगर पिन कोड यहाँ पे दे रखा है 642, यहाँ पर आपको भेज देना है लेटर जो डाउनलोड करेंगे इनकी वेबसाइट से आप फॉर्म, ठीक है, तो वो आपको सेंड कर देना है। और यहाँ पे आपको फीस भी पे करनी है, यहाँ पे फीस लिख रखी है इन्होंने 500 और 300, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, और आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के यहाँ पे सेंड करना है। बहुत ही शानदार पोस्ट है, जिनकी एलिजिबिलिटी बैठती है वो जरूर यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।